नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं दर्शक 24। इस वक्त मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ और लगभग यहाँ पर आप दिखा कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएंगे, लगभग यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है और लोग बिजली दरों में जो वादा खिलाफी हुआ उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में माननीय सांसद संजय सिंह भी आने वाले हैं और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे और कुछ अपनी भाषण देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी जो समाज को लेकर के और प्रदेश को लेकर के इनके व्यू क्या है। तो मैं आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। आपके तो क्या क्यों आए हैं सर यहाँ पे? ये प्रस्तावित बिजली दरों में जो वृद्धि सरकार आज से करने जा रही है उसी के लेकर के आज ये चेतावनी धरना है, जिसको लेकर के हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि आप अभी से अगर नहीं चेते ना तो यही आम आदमी एक आंदोलित होगा। क्या सर ये बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर ही चुनाव जीता जा सकता है? बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा लगातार, ऐसे ही बिजली के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि आप 100 यूनिट नहीं जल पाती है बिजली और 900 रुपया आता है बिजली का बिल। आम आदमी के ऊपर जिस प्रकार से महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, इस तरीके से आम आदमी का जीवन सरल नहीं हो सकता है और कष्ट में चला जाएगा। आम आदमी को एक अंधेरे में डालने की इनकी जो है एक नीति है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़कों पे आंदोलित होंगे। ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा सब किसी पार्टी द्वारा। महंगाई और रोजगार जैसी जटिल समस्या से ये देश जूझ रहा है और प्रधानमंत्री जी मन की बात में जो है कहीं इन चीजों का जिक्र नहीं करते, ना महंगाई पर बात करते हैं। महंगाई पर बात करते हैं सर, महंगाई पर बात करते होते क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखिए, महंगाई पर बात हो रही है और बोल रहे हैं हमने जो है चीजों के दाम घटाए हैं और जो टैक्स कम किया है बहुत सारी चीजें, और लोगों को राशन दे रहे हैं और सब गरीबों को राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, पानी की व्यवस्था है, घर घर में नल शौचालय सारी व्यवस्था मिल रही है, तो कहां महंगाई? आप बताइए कहां महंगाई? आज की डेट में गरीब की, मजदूर की, किसान की थाली से भोजन छीनने का काम किया है मोदी जी ने। जो खाद्य पदार्थ है उन पे सब पे GST डालने का काम किया है। आज 40 रुपए आटा छू रहा है, 40 रुपए पर केजी तक पहुंच गया है आटा। अब इससे बुरे दिन क्या होंगे बताइए। कड़वा तेल 200 के पार जा रहा है। ऐसी नीतियां तो बढ़ रही है ना आपके यहाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं और ये सब सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट होता है, बहुत सारी कंपनियां बाहर से कंपनियां ला रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी जी कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं। मोदी की नीति है कि आम आदमी से जितना भी धन है उसको निचोड़ा जाए और अडानी अंबानी को जो है अपने दोस्तों को, अपने यार मित्रों को धनाढ्य और बनाया जाए, उनको देश का नंबर वन अमीरी के नाम पे उनको व्यक्ति बनाया जाए। दिल्ली मॉडल के जो दिल्ली मॉडल के रूप में जो चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और जैसे 2011 में पार्टी उभरी, 2013 में पहली बार दिल्ली से जो मुख्यमंत्री बने, आज प्रदेश के लगभग सभी बड़े हिस्सों में सरकार तो नहीं लेकिन अगर प्रदेश के बड़े हिस्सों में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का अच्छा सा वर्चस्व है। आज दो राज्यों में सरकार है, इतने कम समय अंतराल में कोई पार्टी अगर उभर करके आई है तो वो कुछ दिल्ली का मॉडल भी है और लोगों को कुछ जो कर रही है, तो क्या ये दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में लाने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ संभव हो पाएगा? यहाँ पर तो जातिगत राजनीति चलती है। नहीं, ये जातिगत और धर्मगत राजनीति का शटर डाउन होगा। आम आदमी बहुत ही जो है समझदार है और यूपी की जनता भी बहुत समझदार है, जिसको देती वो पूर्ण बहुमत की सरकार देती है और आम आदमी को भी एक दिन चुन करके लाएगी यहाँ की जनता, ये दिन दूर नहीं होगा। लेकिन कैसे लड़ेंगे? जैसे हिंदू हिंदू मुस्लिम की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा लेकिन फिर भी अगर जैसे हिंदुओं की बात की जाए तो उसमें कई सारी पार्टियों के लोग होते हैं और वो आपस में ही जो शेड्यूल कास्ट हो आपस में ही लड़ाई करते हैं और आपस में एक दूसरे को में चेंजिंग हो जाती है, तो कैसे आप इनसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे? आप उनको किस चीज़ का, वो राशन की बात करेंगे तो उनको राशन दे रही है सरकार, तो कैसे आप उनको कैसे बताएंगे कि जो है इस बेस पे मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर ये चीज़ मैं कुछ नया कर रहा हूँ? जनता सब समझ रही, इनकी एक एक योजना को समझ रही, इनकी जितनी योजनाएं रही सब की सब छलावा मात्र रही, चाहे वो उज्ज्वला योजना से ले लीजिए या सौभाग्य योजना, आज घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया और आज सब्सिडी के नाम पर बिजली के दामों को 5 रुपए की बजाय 9 रुपए में तब्दील करने की इनकी जो योजना है, ये योजना को हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, किन किन राज्यों से आए हैं?
ये पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग सभी जिलों से आए हुए लोग हैं और आम आदमी अपने हक और अधिकारों के प्रति सचेत है, इसलिए जो है यहाँ पे जो महकमा दिख रहा है ये आम आदमी ही है। होने का मुख्य बिंदु क्या है, क्या किससे बिजली पर बात होगी? मेन है बिजली पे, बिजली और महंगाई को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महंगाई को कम करें नहीं तो हम लोग इनकी नाक में दम करने का काम करें। सरकार को यहाँ पर दिखाने का काम कर रहे हैं, अगर सरकार इस पर बात नहीं मानती तो ये धरना आगे भी बढ़ेगा क्या? बिल्कुल, आम आदमी हम लोग जो है सरदार भगत सिंह के वंशज हैं, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं और इनको जो है सड़कों पे उतर करके दिखा देंगे कि जो है आप क्या हैं और आम आदमी क्या चाहता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? सूरज प्रधान, अवध प्रांत अध्यक्ष। जिस तरीके से सूरज जी ने हमारे साथ बातचीत की और जो यहाँ पर जमावड़ा दिखाई दे रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मैदान में लौट रही है, शायद सत्ता में बैठे लोगों के पास ये बौखलाहट है और जिस तरीके से बिजली के लिए धीरे धीरे, बिजली के लिए, पानी के लिए धीरे धीरे, लोगों के रोजगार के लिए लड़ाई कर रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। तब तक आप देखते रहिए ददस्तक 24 को, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।